एक पेड़ रहता है आम का, उसमें एक पका हुआ आम लगा रहता है, उसे एक लड़की और एक कौवा देखता है। पका हुआ आम जब हम जब देखते हैं तो लड़की क्या करती है, अपने भाई को बुलाती है और अपने भाई को वो आम दिखाती है। भाई उस आम को देखता है और फूले गुले, आपने देखी ना वो छोटे छोटे बच्चे को लकड़ी की बनाते हैं, तो वो गुले से निशाना साधता है और वो आम टूट के गिर जाता है। टूट के गिर जाता है तो ऊपर से वो कौवा जो रहता है वो देखता रहता है, तो कौवा उस आम को लेकर उड़ जाता है। और ये दोनों भाई बहन जो रहते हैं ये लोग देखते रह जाते हैं कौवे को, बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि आम का हमने तोड़ा, कौवा उसको लेके चला गया। अब उड़ते उड़ते कौवा क्या होता है, एक मधुमक्खी के छत्ते से टकराता है, तो मधुमक्खियां क्या करती है, डंक मारती है, तो वो सब के सब आती है और कौवे को डंक मारने लगती है। जब कौवे को डंक मारती है तो कौवे के हाथ से चोट से वो आम गिरता है, वो कहां गिरता है, कौवे के खुद के घोंसले के ऊपर। घोंसले के ऊपर जैसे ही वो गिरता है वैसे ही उस पेड़ पे जो बहुत सारी लहरियां रहती हैं उसमें से एक लहरी आती है, दौड़ती दौड़ती और उस आम को उठाकर ले जाती है। अब उठा के ले जाती है, इतने में अंडों के अंडों से कौवे के अंडों से बच्चे निकलते हैं और सब बहुत ज्यादा काँव-काँव शोर मचाने लगते हैं। शोर मचाने लगते हैं तो जो गिलहरी रहती है वो जो आम खाने लगती है तो उसके भी हाथ से वो आम गिरता है और नीचे एक आदमी बैठा रहता है, उस आदमी की पगड़ी पर वो आम जाकर गिर जाता है और आखिरी में वो आम जो रहता है वो लड़की को मिल जाता है, लड़की उस आम को खाती है। और वो जो लड़का रहता है उसका भाई, वो अपनी गुलेरी को देखकर बहुत प्रसन्न होता है कि मेरी गुलेरी से आम मिलता था और वो आम घूम के काम मिला, मेरी बहन को मिला खाने के लिए। यह हमारी कल की कहानी थी, है ना। अब हम उसकी एक्सरसाइज देखते हैं, उसमें क्या है, किसने क्या किया। आम देखा, आम किसने देखा था, लड़की ने, और किसने देखा था, कौवे ने। तो यहाँ पर आपको लिखना है लड़की और कौवे ने। आम तोड़ा, किसने तोड़ा था आम, लड़की ने। करना है
ये समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पढ़ो समझो और लिखो। यहाँ पर आपको एक वचन का बहुवचन लिखना है, जैसे एक आम आम और बहुत सारे आम रखे होंगे तो हम क्या कहेंगे, आम को हम आम ही कहेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आम। अब एक जो चीज रहती है वो क्या रहता है, देखिए मेरे पास में एक बुक है, ये है, इसे हम क्या कहेंगे, किताब। और ये इतनी सारी मेरे पास संख्या हो गई है तो हम इनको क्या कहेंगे, किताबें, है ना। ऐसे एक गिलहरी थी, एक गिलहरी को क्या कहेंगे हम, गिलहरी। और जब बहुत सारी गिलहरी इकट्ठी होगी तो उनको हम क्या कहेंगे, गिलहरियों। ठीक है, छत्ता, छत्ता एक होता है, जहां बहुत सारे छत्ते लगे होते हैं उनको क्या कहेंगे हम, छत्ते। मक्खी, एक रहेगी तो मक्खी, बहुत सारी इकट्ठी हो जाएंगी तो मक्खियां। अंडा, क्या होगा इसका बहुवचन, अंडे। आदमी, मैं अकेली खड़ी हूं तो मैं आदमी, बहुत सारे लोग मेरे साथ आके खड़े हो जाएंगे तो आदमियों। इसमें आपको मात्राओं का विशेष ध्यान देना है, कहां कौन सी मात्रा लगती है, बहुवचन में आने के बाद मात्राएं आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर मिलाइए। इसमें भी वही चीज है, यहाँ आपको देखना है इसके उत्तर जो है वो यहाँ पर लिखे हैं दूसरी साइड, आपको इधर से इधर मैच करना है। आम देखा, किसने देखा था आम, लड़की ने, ये लड़की ने, यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। आम तोड़ा था, किसने तोड़ा था आम, किससे तोड़ा था, गुलेल से, यहाँ आपकी भी गुलेल से। कौवे को डंक मारा, किसने मारा था कौवे को डंक, मधुमक्खियों ने। घोंसले से आम उठाया, किसने उठाया था, गिलहरी ने। गिलहरी ने आम उठाया, कहाँ से उठाया था गिलहरी ने आम, घोंसले से। यहाँ से आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ पर आपको ये दो दो शब्द लिखे हैं, इसमें से सही शब्द कौन सा है वो आपको देखना है। आम क्या था, पक्का था या पक्का था, आम पक्का था। यहाँ पर आपको राइट का निशान लगाना है। आम किसने तोड़ा था, लड़के ने तोड़ा था कि लड़की ने तोड़ा था, लड़के ने तोड़ा था। यहाँ पर आपको लड़के ने आम तोड़ा। कौआ काय से टकराया था, छत्ते से टकराया था या पेड़ से टकराया था, मधुमक्खी के छत्ते से। यहाँ आपको छत्ते पर टिक लगाना है। अंडों से कौवे के गिलहरी के गाय के बच्चे निकले थे कौवे के, तो यहाँ पर आपको कौवे पे टिक लगाना है। आम किसने खाया, कौवे ने खाया कि लड़की ने खाया, लास्ट में आम किसने खाया था, लड़की ने खाया था। यहाँ पर आपको लड़की पर टिक करना है। अब आपको ये कॉपी में नोट
डाउन करना है, इनको आपको लर्न करना है, मात्राओं का ध्यान देना है और आपकी जो पिक्चर वाली कहानी है तो आपको कहानी लिखना भी है। आगे आपको समझ में, अगर आपको जो चीज समझ में नहीं आती है तो आप टिक करके रखिए, जब भी हमारा आपसे मिलना होगा तब तो आप उनसे ये सब चीजें पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा पार्ट है, पार्ट दो, हिंदी का आम